हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से हम हरियाणा जीएस में एक और अलग से वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य की जितने भी जिले हैं, इन जिलों के नाम कैसे अलॉट हुए हैं, किन के बेसिस पे इनके नाम अलग अलग, सभी जितने भी ये जिले हैं उन जिलों के नाम कैसे कैसे डिसाइड हुए हैं, किन के नामों पर डिसाइड हुए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है वो हरियाणा जिले के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के, हरियाणा राज्य के जितने भी जिले हैं उन सभी के नाम किस तरीके से निर्धारित किए गए हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली बात ये है कि जितने भी हरियाणा राज्य के नाम हैं वो मोस्टली नाम महाभारत के युद्ध से रिलेट करते हैं। मोस्टली जितने भी नाम हैं वो महाभारत के युद्ध से रिलेट करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे इनके नाम पड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा राज्य के जितने भी जिले हैं उनके नामों के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम इनको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है ये हमारे पास में पंचकुला। पंचकुला, पंचकुला का नाम मतलब अगर यदि हम इसको तोड़े तो ये बनता है पंच प्लस कुला या कुल, जिसका मतलब होता है किनारा। इसमें पांच झरने बहते हैं, पांच झरने हैं उनके नाम पर इनका नाम पड़ा पंचकुला। दूसरा हमारे पास आता है अंबाला। अंबाला का जो नाम पड़ा है इसमें आमों की अधिकता है, आमों की अधिकता की वजह से इनका नाम पड़ा है वो अंबाला पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आम होते हैं तो आमों की अधिकता की वजह से इनका नाम पड़ा है अंबाला। या फिर हम महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अंबालिका के नाम पे, अंबालिका, जिससे जो इनका नाम पड़ा है वो अंबालिका के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने श्राप दिया था, जो भीष्म पितामह थे उनको श्राप देने वाले ये अंबालिका ही थे, तो इनके नाम पे पड़ा है। तीसरा हम अगर यदि इसकी बात करें तो ये हमारा यमुनानगर, ये हमारा यमुनानगर। यमुनानगर का मतलब है ये यमुना नदी के किनारे पे विराजमान है, यमुना नदी के किनारे पे है तो इसका नाम यमुना नदी के नाम पे पड़ा है, इसका नाम यमुना नदी के नाम पे पड़ा है। जब हम इससे नीचे आते हैं करनाल, तो करनाल का नाम जो महारथी कर्ण हुए दानवीर कर्ण उनके नाम पे इसका नामकरण हुआ है करनाल। बताते हैं ये हरियाणा का पेरिस कहलाता है, हरियाणा का पेरिस कहलाता है, हरियाणा का जो पेरिस है अगर यदि इसको सुंदरता में देखें तो करनाल है वो सबसे स्वच्छ और उसमें गिना जाता है, इसको हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। इससे नीचे अगर यदि हम आए तो पानीपत, पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पे, पाणिनि ऋषि के नाम पे इनका नाम पड़ा है। सोनीपत, सोनीपत का नाम पड़ा है जो अर्जुन थे, सोनीपत जो अर्जुन थे, अर्जुन के तेरहवीं जो पीढ़ी थी, जो 13वीं पीढ़ी थी उनमें एक राजा हुए, राजा महाराज सोनी, उनके नाम पे इनका नामकरण किया गया सोनीपत। सोनीपत का जो नाम पड़ा है वो 13वीं पीढ़ी में एक राजा हुए अर्जुन के, जो अर्जुन थे महाभारत के युद्ध में, जो अर्जुन थे धनुर्धर थे उनके 13वीं पीढ़ी में एक राजा हुए, उनके 13वीं पीढ़ी में जिनका नाम था महाराज सोनी, उनके नाम पे इसका नाम सोनीपत पड़ा है। इससे नीचे हम जब आए तो यहाँ पे रोहतक, रोहतक का नाम रोहितास, रोहितास नाम के एक पुत्र हुए हैं उनके नाम पे इनका नाम पड़ा है, रोहितास के नाम पे इनका नाम पड़ा है रोहतास, रोहितास नाम पे इनका नाम पड़ा है रोहतक। जैसे हम इससे नीचे आते हैं झज्जर,
झज्जर का नाम किसानों के लिए, किसानों के लिए डेडिकेटेड है इनका नाम। किसानों के जितने भी हित में कार्य हुए हैं वो यहीं से हुए हैं, और इनका नाम छज्जू किसान के नाम पे, छज्जू किसान के नाम पे इनका जो नाम हुआ है झज्जर, वो छज्जू किसान के नाम से इनका नाम झज्जर पड़ा है। इसके नीचे अगर यदि हम देखें तो ये हमारा गुड़गांव, ये है गुड़गांव, गुरुग्राम, ये इधर दिल्ली रह जाता है, ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम का नाम बोला जाता है कि ये द्रोणाचार्य के नाम पे, द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि द्रोणाचार्य को जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुंती के, जो ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर, उन्होंने द्रोणाचार्य को जो ये गुरुग्राम की जो जमीन है ये सारी इनको भेंट कर दी थी, गिफ्ट दे दिया था कि आप ले जाओ द्रोणाचार्य जी, आपके आपको सम्मानित किया जाता है। तो उन्होंने ये द्रोणाचार्य के नाम पे इनका नाम गुरुग्राम पड़ा है, गुड़गांव पड़ा है। जब हम फरीदाबाद की बात करते हैं, ये फरीदाबाद, तो फरीदाबाद का जो नाम है वो पड़ा है फरीद खां के नाम पे, फरीद, फरीद बहुत बड़े मतलब वो हुए हैं, फरीद के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे ये है पलवल, पलवल का नाम पल्लव पुल्लावसुर, पुल्ला बसुर की राजधानी के नाम पे। ये है मेवात, मेवात बोलो चाहे नू बोलो, मेवात की राजधानी, मेव, इसमें मेव प्रजाति बहुत ज़्यादा थी, मेव प्रजाति बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका नाम मेवात पड़ा है। यहाँ पे आए अगर रेवाड़ी, ये रेवाड़ी, रेवाड़ी का नाम क्योंकि यहाँ पे राजा होते थे वो होते थे रेव, रेवत, राजा नाम था उसका रेवत। जो रेवत है उनकी बहन थी और वो उन्हें प्यार से रेवा रेवा बुलाते थे, और रेवा के बाद में उन्होंने जब इनकी शादी हुई रेवा की तो उन्होंने इनको ये वाली जो ज़मीन है वो इनको गिफ्ट कर दी थी, दहेज में दे दी थी, तो वो इसको बोलने लग गए थे रेवावाड़ी, और बाद में इसी का नाम पड़ गया था रेवाड़ी। यहाँ पे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का नाम यहाँ पे महाराज, महाराजा हुए पटियाला के, पटियाला के महाराजा, पटियाला के जो यहाँ महेंद्रगढ़ में किला भी है, महेंद्र सिंह, उनके नाम पे इनका नामकरण हुआ है महेंद्रगढ़। ये है दादरी, दादरी का नाम क्योंकि यहाँ पे मेंढक बहुत ज़्यादा होते हैं, मेंढक बहुत ज़्यादा थे, और मेंढक को संस्कृत में दादुर बुलाते हैं। इनकी अधिकता की वजह से, मेंढक की अधिकता की वजह से इनका नाम दादरी पड़ा, क्योंकि इनका जो दादुर है यहाँ से दादरी पड़ा। ये आया भिवानी, भिवानी, भिवानी का नाम, भिवानी का नाम जो पड़ा है वो पड़ा है भिवानी का क्योंकि नीम की पत्नी थी, नीम की पत्नी भानी देवी, उन नीम की पत्नी थी भानी देवी, उनके नाम पे इनका नाम पड़ा, इनको बोला गया भानी देवी के नाम पे ही, इसके जो बोला गया इस जगह को बोला गया बीच में कि भानी ग्राम बोल दिया गया, और फिर इनका नाम बिगाड़ दिया गया, बिगाड़ते 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 भिया, भिया वाली भी बोला गया, भीना वाली, और लास्ट में फिर इसको बोला भिवानी, जो आज अभी है हमारे पास में, जो हम नाम को इनको बोलते हैं भिवानी वो। ये है हिसार, हिसार, हिसार का नाम क्योंकि इसमें जब प्रवेश करते थे तो इसके चार द्वार होते थे, चार द्वार थे जिसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, यहाँ पे मोरी गेट, जो नॉर्दर्न साइड में, इनके नॉर्दर्न साइड में मोरी गेट था, इसके ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में दिल्ली गेट था प्रवेश करने के लिए, जो इनका साउथ वाला पार्ट है साउथ साइड में कश्मीरी गेट था, और इधर तलाकी,
इसमें प्रवेश करने के चार द्वार थे, मोरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट और तलाकी गेट। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के बेसिस पे इनका नाम हिसार पड़े। ये है सिरसा। सिरसा का नाम क्योंकि यहाँ पे सीरीस वन बहुत ज़्यादा थे, सीरीस वन बहुत ज़्यादा थे। सीरीस वन का मतलब है क्योंकि यहाँ पे पेड़ थे, उस सिरस के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे, इसी वजह से इनके पेड़ों के नाम पे ही इनका नाम सिरसा पड़ा है। इससे आगे आए फतेहाबाद। फतेहाबाद ये एक राजा हुए तुगलक, उनके पुत्र थे बाबा फतेह खान। बाबा फतेह खान, उनके नाम पे फतेहाबाद पड़ा है। उन्होंने ये ज़मीन इनको दे दी तो इनका नाम पे ही फतेह के नाम पे, फतेह के नाम पे फतेह खान नाम पड़ा। जींद, ये हमारे पास में जींद। जींद जो ज़िला है इसका नाम, इसका नाम मंदिर के नाम पे है, मंदिर है। इस मंदिर में जो माता है उसको बोला जाता है विजय की देवी, विजय की देवी, क्योंकि ये धारणा बनाई हुई है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस टाइम पर जब पांडव जा रहे थे युद्ध के लिए तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं की आराधना की थी, इन्हीं देवी की आराधना की थी और उसी के नाम पे फिर इसका नाम पड़ा जींद। यहाँ पे अगला जो हमारे पास में है जिला, वो अगला जिला है ये कैथल। कैथल, कैथल को बोलते हैं वानरों का या वानर स्थल। कैथल वानर स्थल मतलब ये जो जगह है या कैथल है, इनको हनुमान का, जो पवन पुत्र हनुमान है उनकी जन्मस्थली बोला जाता है, हनुमान जन्मस्थली। ठीक है, यहाँ पे वानरों का वास बताया जाता है कि वानर है, यहाँ पे वानर रहते हैं तो उनके नाम पे इनका नामकरण हुआ है। और ये बोला जाता है कि इन इसी वजह से इसका नाम कैथल पड़ा। ये बच गया हमारे पास में कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु हुए हैं, यहाँ पे राजा कुरु का जन्म इसी जगह पे हुआ है तो इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा कि राजा कुरु की जो बर्थ प्लेस है उनके नाम पे इनका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में जो ज़िले हैं हरियाणा राज्य के, उन राज्यों के ज़िलों के नाम किस तरीके से डिसाइड हुए, इनके बारे में था छोटा सा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।